द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम 16 संस्कार अर्थात षोडश संस्कार का अध्ययन करेंगे। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से घञ प्रत्यय करने पर होती है, जिसका अर्थ होता है शुद्धता अथवा परिमार्जन। अर्थात हम देवताओं की प्रार्थना करते हुए कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तब उसे संस्कार कहा जाता है। संस्कारों की संख्या के संबंध में मतभेद है, परंतु सर्वमान्य रूप से 16 संस्कार माने गए हैं। इन 16 संस्कारों का वर्गीकरण इस प्रकार है: जन्म के पूर्व के संस्कार गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन, बाल्यावस्था के संस्कार जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म एवं कर्णवेद, शिक्षा संबंधी संस्कारों में विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत एवं समावर्तन संस्कार, विवाह संबंधी में विवाह संस्कार एवं मृत्यु संबंधी अंत्येष्टि संस्कार। इन 16 संस्कारों में जो मुख्य संस्कार हैं, जो अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रचलित है, उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला संस्कार है नामकरण संस्कार। नाम सामान्यतः संतति के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन किया जाता था, प्रायः किसी देवता, प्राकृतिक तत्व अथवा माता पिता एवं उनके परिवार की इच्छा के आधार पर भी संतति या संतान का नामकरण किया जाता था। नामकरण में व्यक्ति की भावना यह होती थी कि वह एक उच्च मनुष्य बने। बालिकाओं के नाम प्रायः दीर्घ स्वरांत रखे जाते थे, जिनका उच्चारण सुखपूर्वक किया जा सकता हो, जैसे लता, शकुंतला, विद्या देवी इत्यादि। दूसरा जो प्रचलित संस्कार है वह है चूड़ा कर्म। चूड़ा अर्थात शिखा। सामान्यतः सिर के समस्त केशों को कटवा दिया जाता था एवं केवल शिखा को ही छोड़ा जाता था। इसे आजकल मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार प्रायः बालक के प्रथम, तृतीय, पंचम अथवा सप्तम वर्ष में किया जाता था। अगला संस्कार है कर्ण वेद, अर्थात कान को वेद अर्थात छेद करना। संतान के 7वें माह में कान में छिद्र करवा करके उसे सोने या चांदी का कुंडल इत्यादि पहनाया जाता था। अगला संस्कार है विद्यारंभ। सामान्यतः 5 वर्ष की आयु के शिशु को शिक्षक द्वारा किसी पत्थर या पट्टी या धातु पर ओम अथवा स्वस्तिक मंगल चिन्ह लिखने के साथ वर्णमाला सिखाई जाती थी। अगला है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। उप अर्थात पास में या समीप, नयन अर्थात ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाना। इस संस्कार में माता पिता विद्यार्थी जीवन को प्रारंभ कराने के लिए किसी गुरुकुल में या किसी आश्रम में गुरु के समीप विद्यार्थी को ले जाते थे। सामान्यतः 8वें से 12वें वर्ष की आयु में यह संस्कार होता था। उपनयन में विद्यार्थी का संबंध माता पिता से अब नाम मात्र का होता था। वह गुरुकुल में ही रह कर के गुरु के ही वहीं अपने आवास
भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्थाएं करता था। इस संस्कार के द्वारा विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य जीवन आरंभ होता था। वह एक उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन को व्यतीत करता था, जहाँ घर में वह अपनी इच्छानुसार उठना बैठना आदि क्रियाएँ करता था। अब वह एक अनुशासित नियमित व्यवस्थित जीवनचर्या को आरंभ करता था, जहाँ वह भोग विलास आदि साधनों को छोड़ करके भिक्षावृत्ति एवं कठोर अनुशासन में अपनी विद्या को पूर्ण करता था। उपनयन संस्कार के बाद अगला महत्वपूर्ण संस्कार है समावर्तन संस्कार। जब विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी, तब समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का अर्थ है पुनः घर की ओर लौटना। इस संस्कार में विद्यार्थी स्नान करता था, अतः इसे उस विद्यार्थी को स्नातक भी कहते थे। इसमें गुरु अपने शिष्य को जीवन में व्यावहारिक शिक्षा देकर के और उसे समाज में एक सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए भेजते थे। उस समय तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का जो प्रसिद्ध उपदेश है वह भी दिया जाता था, जो आज भी प्रसिद्ध है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। उसमें और वो गुरु कहते थे कि हमारे जो जो भी अच्छे कर्म हैं तुम उन्हीं को अपनाओ, जो हमारे निंदनीय या बुरे कार्य हैं तुम उनका जीवन में आचरण मत करना। अगला संस्कार है विवाह संस्कार। शिक्षा पूर्ण होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार के द्वारा करता था। सामान्यतः 25 वर्ष के बाद यह संस्कार होता था। गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार के द्वारा व्यक्ति प्रवेश करने पर अपने अनेक सामाजिक धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करता था, क्योंकि यज्ञ में वही भाग ले सकता था जो पत्नी युक्त व्यक्ति होता था। दंपति ही यज्ञ में भाग ले सकते थे। विवाह संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति ऋण त्रय, पुरुषार्थ चतुष्टय एवं पंच महायज्ञ संपन्न कर पाता था। उस समय विवाह के 8 प्रकार थे। अगला है अंत्येष्टि संस्कार। यह मानव जीवन का अंतिम संस्कार है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके परिजन उसको विधि विधान पूर्वक सबको जलाते थे। इस संस्कार में व्यक्ति की यह भावना थी कि मृतक के उचित विधि विधान से कार्य करने पर उसको परलोक में अच्छा स्थान मिलेगा, वह सुख से रह पाएगा। इसमें मृतक के प्रति सम्मान की भावना निहित थी। संस्कारों का हम महत्व देखें तो व्यक्ति का जीवन संस्कारों का दूसरा रूप है। संस्कारों के द्वारा ही व्यक्ति एक व्यवस्थित एवं अनुशासित जीवन जीता है। जहाँ प्राचीन काल में 16 संस्कार थे, उनमें कुछ संस्कार आज भी प्रचलित हैं। संस्कारों से मानव जीवन व्यवस्थित होता था। व्यक्ति को मानसिक रूप से एक परिपक्व नागरिक के रूप में विकसित किया जाता था। संस्कारों के द्वारा व्यक्ति का समाज से संबंध स्थापित होता था। वह व्यष्टि से समष्टि अर्थात एक से अनेक की ओर जुड़कर एक नागरिक की मुख्य धारा, एक समाज की मुख्य धारा में अपना योगदान देता था। संस्कारों से ही हमारे मन में छिपी हुई हर्ष, शोक, चिंता आदि भावनाओं का सामाजिक रूप से प्रकटीकरण होता है और इससे मनुष्य की भावनाएं बाहर निकल जाती हैं, ताकि वह भावनात्मक रूप से संतुलित रहे। तो निश्चित रूप से 16 संस्कारों में सभी आज प्रचलित नहीं हैं। कुछ संस्कार आज भी थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ समाज में प्रचलित हैं। धन्यवाद।